हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के स्ट्रिंग मेथड। तो स्ट्रिंग तो हमने स्टार्ट में ही पढ़ लिया है। तो स्ट्रिंग मेथड्स क्या होते हैं? जो जो ऑपरेशन हमारे स्ट्रिंग पे परफॉर्म कर सकते हैं वो सब होते हैं हमारे स्ट्रिंग मेथड्स। तो हम पढ़ेंगे। तो एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल क्रिएट कर ली, एक स्क्रिप्ट डॉट जे एस फाइल क्रिएट कर ली, और दोनों को स्क्रिप्ट टैग से हमने लिंक कर लिया। तो हमारे स्क्रिप्ट डॉट जे एस टैग में फाइल में हम एक स्ट्रिंग डिफाइन कर लेते हैं। लेट मैसेज इक्वल टू आई लव कोडिंग। तो ये हमारा मैसेज है। तो फर्स्ट स्ट्रिंग मेथड है हमारी ट्रिम। तो ट्रिम मेथड क्या करते हैं? हमारे जो स्टार्ट के और एंडिंग के वाइट स्पेसेस होते हैं, ब्लैंक स्पेसेस होते हैं, तो इनको रिमूव करने का काम हमारा ट्रिम मेथड करते हैं। तो देखेंगे, हमने मैसेज प्रिंट कर लिया हमारा आई लव कोडिंग। स्टार्ट में इतने वाइट स्पेसेस, एंड में इतने वाइट स्पेसेस। तो क्या करेंगे, अब मैसेज डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे और ट्रिम फंक्शन का यूज करेंगे। तो देखो, स्टार्ट के और एंडिंग के जितने भी वाइट स्पेसेस सब कुछ हट चुका है। तो ट्रिम मेथड क्या करता है, स्टार्ट के और एंड के ही रिमूव करता है या बीच के भी रिमूव करता है? तो बीच में हम वाइट स्पेसेस देखे देखते तो मैसेज डॉट ट्रिम। तो देखो, बीच में जितने भी वाइट स्पेसेस थे वो हटे नहीं, क्योंकि ट्रिम मेथड का फंक्शन है कि सिर्फ स्टार्ट के और एंडिंग के जितने भी वाइट स्पेसेस थे उनको ही ये रिमूव करता है। तो ये रिमूव कर लेंगे। और नेक्स्ट हमारा फंक्शन है टू अपर केस। तो हमें हमारे स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना हो, ऑल लेटर्स आर अपर्स, और सपोज लोअर में भी कन्वर्ट करना हो, तो उसके दो दो फंक्शन है। तो एक फंक्शन है हमारा मैसेज डॉट टू अपर। देखो यहाँ पे हमें सजेशंस आ रहे हैं, तो इनको हम टैब दबा के यूज कर सकते हैं। टू अपर केस, तो जितने भी हमारे लेटर्स थे सब अपर केस में कन्वर्ट हो गए। सिमिलरली हमें लोअर केस में कन्वर्ट करना हो तो अपर की जगह सिर्फ हमें लोअर लगाना है। तो हमारे जितने भी लेटर्स थे सब लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। पर हम ये जो फंक्शन यूज कर रहे हैं उसका हमारे मेन डिफाइन किए हुए स्ट्रिंग पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो, हमने मैसेज प्रिंट कर लिया तो ये सिमिलर ही लेगा। अगर हमें इसमें चेंज कराना है तो हमें मैसेज इक्वल टू ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके मैसेज डॉट टू अपर केस यूज कर लिया सपोज, या फिर टू लोअर केस यूज कर लिया, और हमें पैरेंथेसिस भी लगाने पड़ते हैं। तो आई लव कोडिंग, अब हम मैसेज को प्रिंट करेंगे तो इसमें चेंजेस आ गए। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन है स्लाइस फंक्शन। तो स्लाइस फंक्शन क्या करता है, हमारी जितनी भी स्ट्रिंग है उसमें से हमें सपोज कोडिंग रिक्वायर्ड पार्ट है, हमें सिर्फ यही प्रिंट करना है। तो क्या करेंगे, हम मैसेज डॉट स्लाइस, और जहां से हमें चाहिए कोडिंग से चाहिए तो सी का इंडेक्स हमें राइट करना होगा। तो स्लाइस फंक्शन, और हमें कोडिंग से चाहिए तो 5। देखो, फिफ्थ इंडेक्स से हमारा कोडिंग प्रिंट होगा, तो वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, इसलिए हमें सिक्स इंडेक्स पे, सिक्स लेटर को फिफ्थ इंडेक्स पे लिखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है रिप्लेस फंक्शन। तो रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, रिप्लेस फंक्शन हमें सपोज अभी लव को रिप्लेस करके डू करना है वहां पे, तो क्या करेंगे, मैसेज डॉट रिप्लेस, हमें लव को रिप्लेस करना है डू के साथ। देखो, आई डू कोडिंग ये आ गया है। और हमारा लास्ट फंक्शन है रिपीट फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या करेगा, हमें अभी हमारी मेन स्ट्रीम तो चेंज नहीं हुई है, वो तो आई लव कोडिंग ही है। तो सपोज हमें आई लव कोडिंग को 5 बार लिखना है, तो हम क्या करेंगे, मैसेज डॉट रिपीट 5 टाइम। तो आई लव कोडिंग 5 टाइम रिपीट हो जाएगा। तो ये थे हमारे स्ट्रिंग फंक्शन।